हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन में इंटरनेट स्लो चल रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर SIM 1 और SIM 2 का ऑप्शन मिलेगा। जिस सिम में इंटरनेट चलाना है, जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है, उस सिम पर क्लिक कर देना है। देखिए, हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग को APN सेटिंग भी कहते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करके रीसेट कर देना है। ऐसा करने से APN सेटिंग रीसेट हो जाएगा और कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक। अब लास्ट में एक और ऑप्शन है ऑपरेटर का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है, अगर यह ऑटो सेलेक्ट नहीं रहेगा तो इस पर क्लिक करके ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। फिर इंटरनेट आपका सही तरीके से चलेगा। तो इस तरह सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।